कैसे, एक तो 8 नंबर का इसमें से आएगा और 8 नंबर का इसमें से आएगा। तो आपको ये प्रिपरेशन करनी है कि इन चैप्टर में से मुझे पता चल गया कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से फिक्स हैं, तो हम इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। पूरी हिस्ट्री में 8 MCQ बन रहा है, अकेला ये दोनों चैप्टर 25 नंबर का है। तो याद रखना, लास्ट के 6-7 जो पुराने बुक के अकॉर्डिंग, अब जो है आपका 7वां हो गया और 8वां पुरानी बुक में, यहाँ पर 6-7 मेरे भाई याद रखना, इसको रगड़ के पढ़ो बढ़िया से MCQ के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप चीज ये है कि चैप्टर अब पता चल गया भैया कहाँ से सोर्स बेस बन रहा है, कहाँ से 8-8 नंबर के चैप्टर बन रहे हैं, कहाँ से 3-3 नंबर के बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने MCQ बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे 6 MCQ 2 चैप्टर से बन रहा है, यहाँ पे 2 चैप्टर से आपके 8 MCQ बन रहा है, यहाँ पे 1 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। तो यही चीज तो चाहिए एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए, वो भाई लेट। जय हिंद। मेरे भाई क्लास 11th में हो और आप लोग के लिए एक सबसे बेहद बहुत ही ज्यादा खुशखबरी ये है कि अगर आपको हिस्ट्री में ज्यादा डर लगता है तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि 8 नंबर का चैप्टर किस चैप्टर से, 8 नंबर का जो 8 मार्क्स का किस चैप्टर से हमें कवर करना है, 4 मार्क्स का किससे करना है, 3 मार्क्स का किससे करना है, कितने से कितने MCQ आएंगे, वो सारी CBSE ऑफिशियल्स आप लोगों क्या होता है कंप्लीटली सारी चीजें बता दी है कि जो आप यहां पर देख सकते हो पेपर डिजाइन कहां से क्या आएगा, ये आपके ऑफिशियल है, आपको PDF में मिल जाएगा। भाई मैं बता दूंगा PDF कहां से आप लोग को डाउनलोड करनी है। बस एक पॉइंट ध्यान से सुनने की बात ये है कि जितने भी टर्म्स आपको इस क्लास में बताया जा रहा है हिस्ट्री का, रामबाण होगा चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बस आपको कंप्लीट चीजों को समझना है। लास्ट में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आप किस लेवल पर तैयारी कर सकते हो, जो भाई हिस्ट्री में गेम बना सकते हो। अगर हिस्ट्री पॉलिटी में आपने अच्छे स्कोर कर दिए और इंग्लिश में, तो भाई आपकी परसेंटेज 90+ चली जाएगी। तो इस चीज को ध्यान से सुनना, जो चीज बता रहा हूं दिल दिमाग में रखना और चुपचाप से स्क्रीनशॉट रख लेना, नहीं तो मैं ग्रुप में तो PDF अपलोड कर ही देता हूं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। अभी काफी सारी चीजें जो अभी मैं आपको नीचे बात करने वाला हूं, ध्यान सुनना। सबसे पहले आपके सामने ये बताता हूँ, कोर्स स्ट्रक्चर जो क्लास 11th का दिया हुआ है ये है क्या, ये आपको पता है कि स्कूल में आते हैं कि इतने नंबर ऑफ पीरियड टाइम में खत्म कर देने इतने मार्क्स का। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए, मेरे भाई ये आपके थीम बटे होते हैं, ये थीम बटे होते हैं कौन से थीम में कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये देखो आप यहाँ पे, ये जो आपका पहला चैप्टर है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला एंड शहरी जीवन, जो कि आपके ये 10 नंबर का आएगा। इसमें से कितने आपके 6 MCQ आएंगे, कितने मेरे भाई यहां से आपके MCQ कितने, सॉरी 3 MCQ आ रहा है लेखन कला में से, आपके कितने MCQ आ रहे हैं, 3। तो आप पॉइंट को ध्यान सुनते जाना, अभी सारी चीज बता दूंगा। दूसरा जो आपका यूनिट है, थीम है, जिसमें कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये आपके कितने नंबर के, ये आपके 10 नंबर के। उसी के अंदर में दूसरा जो तीसरा, आई मीन की इस थीम के अंदर तीसरा चैप्टर नोमेडिक एम्पायर यायावर साम्राज्य, ये भी आपके कितने 10 नंबर के हैं। तो अब ये सबसे पहले देखना है कि ये आपको पता चल गया एन एम्पायर, नोमेडिक एम्पायर मतलब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, इन दोनों में से आपके कितने MCQ आ रहे हैं। तो मेरे भाई आपको पता है इन दोनों थीम में से 4 MCQ आ रहे हैं और 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि ये समझ आ गया हमें कि भैया किसी भी तरीके से एक तो 8 नंबर का इसमें से आएगा और 8 नंबर का इसमें से आएगा। तो आपको ये प्रिपरेशन करनी है कि इन चैप्टर में से मुझे पता चल गया कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन दोनों चैप्टर में से फिक्स हैं, तो हम इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। समझे एक्चुअल में क्या होता है, आगे अभी और रिली मतलब अच्छे से बात करेंगे उसकी। अगला है 3 ऑर्डर मतलब 3 वर्ग, फिर है चेंज कल्चर ट्रेडिशन बदलती हुई संस्कृति, जो कि 10 नंबर का है और इसमें से देख लो ये जो चैप्टर थीम है यहाँ पे चेंज इन ट्रेडिशन में से, यहाँ से आपके 6 MCQ आ रहे हैं। कितने मेरे भाई आपके 6 MCQ किस में से आ रहे हैं, ये आपके 4th और 5th, इट मीन्स कि 3 वर्ग बदलती हुई संस्कृति से आपके 6 MCQ आ रहे हैं। अगला जो है आपके पास डिस्प्लेसिंग पीपल इंडिजियस पीपल मतलब मूल निवासियों का जो विस्थापन वो वाला चैप्टर, और ये पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये आधुनिकरण के रास्ते। अब यहाँ से देखो कितने MCQ आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके यहाँ से 8 MCQ आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखो 3 वर्गों में फैला मतलब तीन वर्गों तक फैला साम्राज्य वाला ये हो गया, ठीक है भाई, तीन वर्ग हो गया यहाँ पे, बदलती हुई संस्कृति, मूल निवासी और आधुनिकरण। अगर इन चारों चैप्टर को आप कर लो तो इससे यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 14 नंबर MCQ आ रहे हैं, मतलब समझ लो कितना बड़ी बात है। तो यही पॉइंट है मेरे भाई कि यहाँ पे ये हो गया पाथ और मैप, आपको बताया है कि 5 नंबर का मैप आएगा। तो सबसे पहले आपके दिल दिमाग में क्या होना चाहिए, ये भाई रामबाण बता रहा हूँ और आपको पता है कि SSP पे जितनी भी चीज अपलोड होती, चाहे 9th हो 10th हो 11th 12th जो भी
भी हो, अगर खतरनाक मटेरियल है या खतरनाक चीज़ें हैं तो वही आपके लिए आएगा, अदरवाइज अनरिलेवेंट चीज़ें नहीं आएंगी। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 11th में तो डंका बजाओगे बजाओगे, क्लास 12th में तो भैया आगे लगा दोगे, इतना तो मैं 100% बता रहा हूँ। और मैं एज यूजुअल हमेशा बता चुका हूँ कि आज तक का 97 हमारे पॉलिटिकल का हाईएस्ट है और यहाँ पे भाई 93 हिस्ट्री का हाईएस्ट है, भाई इंग्लिश का पूछो इंग्लिश का 100 भी गया हुआ है, ठीक भाई 2016-17 वाले में। तो ये पॉइंट समझ रहे हो यहाँ पे, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप भाई अगर इस पे आ चुके प्लेटफॉर्म तो आपके लिए भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस अब ध्यान से सुनते जाना, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, क्या क्या समझ आ गया, लेखन कला, शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ का, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, नोमेडिक एम्पायर, यावर साम्राज्य, द 3 ऑर्डर्स, 3 वर्ग, बदलती हुई संस्कृति, यहाँ से आपके 6 नंबर के एमसीक्यू, ये आपके 8 नंबर के एमसीक्यू। तो अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट टर्म हो गया यहाँ पे, अगर आप 6 नंबर का एमसीक्यू यहाँ से हमें पता चल गया और यहाँ से हमें पता चल गया 8 नंबर का एमसीक्यू है और हमें इन दोनों चैप्टर से पता चल गया 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, यायावर साम्राज्य, 8-8 नंबर के 2 चैप्टर 2 क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 16 ये हो गया और यहाँ पे 16 और 14 नंबर ये हो गया, भैया ये बताओ 16-14 कितने हो गए, 10, ये 30 नंबर आपके 4 चैप्टर से मिल रहे हैं। तो आपको पता चल गया कैसे करना है, इस तरीके से तैयारी करना। और अगला अब देखो जो मेन ब्लूप्रिंट है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। सबसे पहला लेखन कला से आपके 3 MCQ आएंगे, क्या आ रहे हैं यहाँ पे 3 MCQ आपके लेखन कला से आ रहे हैं। तो ये पॉइंट समझो, ये लेखन कला से 3 MCQ, एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एक आपके सोर्स बेस्ड, समझ आ गया, लेखन कला से 3 MCQ, एक शॉर्ट, भाई ये 100% 10 लाख मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, ये लगा लो तुम 10 लाख% 100% सटीक है और ये आपके क्या है, रियल है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि भैया ये आपके सीबीएसई ने प्रोड्यूस किया है। तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, समझ पता चलिए आपको एक सोर्स बेस इसमें से, उसी तरीके से जो एम्पायर वाला है 3 वर्गों में फैला महाद्वीप और यायावर साम्राज्य, मतलब इसमें से आपको 4 नंबर का एमसीक्यू है, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये भाई मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे देख लो ये सीबीएसई का ऑफिशियल है, तो अगर आपको कभी कोई बोले कि भैया ये झूठी है तो कोई ये 10वीं का नहीं है कि भैया एक्सपेक्टेड बताएंगे, ये 100% आपके या 10 लाख% आपके ऑथेंटिक है। तो आप कंप्लीट इसको समझो, जो मैंने आपको ये समझाया है ना मेन कहानी यहाँ, ये जो चैप्टर वाइज समझा है इसको दिल दिमाग में बिठा लेना, आपके भाई हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। कमेंट करोगे तो आपके पास ज्योग्राफी भी आ जाएगी, पॉलिटिकल भी आ जाएगी, बस आप लोग फिर कमेंट करके बताना पॉलिटिकल का चाहिए या हिस्ट्री का, सारे शेर से नहीं हमारी, ठीक है भाई समझ गए यहां पे। तो ये हो गया उस तरीके से, जब ये 4 नंबर का ये हो गया, 2 8-8 नंबर का हो गया, तो आपका सारा वेटेज यहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद में 3 वर्ग में फैला हुआ साम्राज्य, ये 3 महाद्वीपों तक था, ये 3 वर्ग जो सिंपल सा चैप्टर, 3 वर्ग 3 स्टेट, फिर बदलती हुई संस्कृति, यहां से आपके 6 नंबर का एमसीक्यू बन रहा है, यहां पे 2 क्वेश्चंस आपके 3-3 नंबर के बन रहे हैं और यहां पे 2 केस बेस बन रहे हैं। इट मींस कि अब आपको समझ आ गया कि सारे के सारी चीजें 3 वर्ग और यह बदलती हुई संस्कृति से जो ये आपके 4-4 नंबर के ये जो 2 केस बेस बन रहे हैं, इनको फोकस करना, जो बॉक्स बने होते ना, जो बॉक्स एनसीईआरटी में, वहां से आपके केस बेस्ड आ जाएंगे जो कि 8 नंबर आपके यहां से बन जाएगा चैप्टर। अब पता चल गया, सबसे बड़ी चीज ये है कि चैप्टर अब पता चल गया भैया कहां से सोर्स बेस बन रहा है, कहां से 8-8 नंबर के चैप्टर बन रहे हैं, कहां से 3-3 नंबर के बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यू बन रहे हैं। जैसे यहां पे 6 MCQ 2 चैप्टर से बन रहा है, यहां पे 2 चैप्टर से आपके 8 MCQ बन रहा है, यहां पे 1 लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। तो यही चीज तो चाहिए एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन के लिए, वो भाई लेट देर आए दुरुस्त आया, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया गया हूं। अब आपको यह भी बताना कि कौन से चैप्टर में किस किताब में दिक्कत हो रही है, वो आपके पास आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो मेरे को। फिर कहते हैं मूल निवासियों, मतलब कि ये मूल निवासी आ गया, फिर मतलब इंडियस वाला पीपल और आधुनिकरण के रास्ते, ये आपके कितने 8 नंबर के एमसीक्यू है और 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर के 1 आएगा, यहाँ से कोई सोर्स बेस्ड नहीं है और मैप जो है आपके सामने 5 नंबर का है। तो ये पता चल गया सोर्स बेस्ड आपके 4-4 नंबर के 3 सोर्स बेस्ड होंगे और यहाँ पे 8-8 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, मतलब 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, यहाँ पे 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे और 21 आपके एमसीक्यू होंगे। तो ये भी पॉइंट बहुत बड़ी है कि 21 एमसीक्यू हो गया, 6 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के, 8 क्वेश्चन आई मीन 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे 8-8 मार्क्स के, 8-8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और ये आपके सोर्स बेस्ड पता चल गया कि 12 नंबर के आएंगे और मैप आपके पास। तो ये सारी चीज़ें ये ऑफिशियल है, आपके सामने 100% है, लेकिन एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि हिस्ट्री में अब आपको उल्टा सीधा चीज़ नहीं पढ़नी है, चुपचाप से इसे मिलाओ, आप आराम से इसे मिलाओ कॉपी में नोट डाउन करके, जैसे ऑफलाइन मैंने बच्चों को बताया उस तरीके से आप कॉपी में लिख लो या कहीं पर इसका चार्ट पर लिख के चिपका दो, भैया इस चैप्टर
मुझे पूरा फोकस करना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो है ना यहाँ पे आधुनिकरण के रास्ते, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन वाला पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन और मूल निवासियों, मेरे भाई ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से आपके पूरी हिस्ट्री में 8 MCQ बन रहा है। अकेला ये दोनों चैप्टर 25 नंबर का है, तो याद रखना लास्ट के 6-7 जो पुराने बुक के अकॉर्डिंग, अब जो है आपका 7 हो गया और 8 पुरानी बुक में, यहाँ पर 6-7, मेरे भाई याद रखना, इसको रगड़ के पढ़ो बढ़िया से एमसीक्यू के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं, अब ये मूल निवासियों वाला या आधुनिकरण के रास्ते, इनमें से जो बेस्ट टू बेस्ट टॉपिक लगेंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके देखो, क्योंकि आपके यहां पे 8 नंबर के भी क्वेश्चंस बन रहे, यहां पे 3-3 नंबर के 3 बन रहे, एमसीक्यू 8 बन रहे, मतलब जो करवा दूं वो 10,00,000% आपके पेपर में आएगा, मिड टर्म आपको पता ही चल गया। तो बस आप लोगों को सिर्फ एक कमेंट मैटर करता है, और प्लीज यार लाइक, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आएगी, और प्लीज अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना। और भाई खास करके एक ही चीज बता रहा हूं, जो भी आपके पास यहां पे अभी हमने हिस्ट्री का डिस्कस किया, ये हिस्ट्री के लिए आपके पास क्या है, ये रामबाण है। क्या भाई यहां पे रामबाण आपने इतना पढ़ लिया होगा, लेकिन अब आपको मेंटलिटी एक बार क्लियरिटी आ गई होगी कि मुझे करना क्या, कैसे करना है। अगर आपने नहीं किया भैया, शिद्दत से पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप लोग कोई भी बच्चा हमारे शेयर से नहीं, अगर ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड, खासकर ह्यूमैनिटीज के लिए, तो आप लोग 11th 12th के ह्यूमैनिटीज के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक भाई, बस यही चीज बताना चाहता था, बस आप लोग को शिद्दत से पढ़ना है और कुछ टेंशन नहीं लेनी। जो भी दिक्कत परेशान कमेंट कर देना तो बता देना, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।